हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद शिमला और बर्ड काउंट इंडिया के सहयोग से हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला में सिटीजन साइंस द्वारा पक्षियों की निगरानी विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। हम यहाँ नॉर्दर्न रीजनल कॉन्फ्रेंस ई बर्ड इंडिया के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य है सिटीजन साइंस को बढ़ावा देना। ई बर्ड एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसपे कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो आम सिटीजन है, कोई एनजीओ से पर्टेन करता है, कोई एक्सपर्ट है, किसी साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन से पर्टेन करता है, या वाइल्ड लाइफर है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का आदमी है, बर्ड्स की जानकारी, जो भी उसकी ऑब्जर्वेशन है, कितनी चिड़िया देखी, किस इलाके में देखी, कब देखी, उसके बारे में अपलोड कर सकता है। इससे फिर बहुत सारे ट्रेंड्स जो हैं साइंटिफिक डेटा से निकाले जा सकते हैं कि बर्ड्स जो हैं वो, उनकी संख्या कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, माइग्रेशन के क्या पैटर्न्स हैं, उनकी लॉन्जिविटी के क्या पैटर्न्स हैं, और किस बर्ड को ज़्यादा संभालने की ज़रूरत है। तो ये सारी असेसमेंट्स, ये सारी एनालिसिस जो है डिजिटल माध्यम से करना बहुत आसान होता है। तो इसी के बारे में बर्डिंग को आगे बढ़ावा देने के लिए, सिटीजन्स में साइंस को आगे बढ़ावा देने के लिए, और ई बर्ड के यूजेज और उससे जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं उसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे कॉन्फ्रेंस की जा रही है, और जिसमें सभी तरह के लोग, चाहे वो एक्सपर्ट्स हैं, एकेडमिशियन हैं, वाइल्ड लाइफर हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, या आम जनता है, वो सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।